आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की रहेगी दो दिवसीय हड़ताल, रैली निकालकर गांधी जी के सामने की प्रार्थना। सनावद नगर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में चल रही मुहिम में समाधान नहीं होने के बाद गुरुवार को फिर बैंक कर्मियों ने दो दिवसीय हड़ताल के साथ अपनी मांग को पुरजोर तरीके से मनाने का तरीका अपनाया। वहीं नगर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक SBI, शहरी SBI, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। दो दिवसीय हड़ताल के दौरान पहले दिवस कर्मचारियों ने नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। रैली का समापन गांधी प्रतिमा के सामने हुआ, जहां पर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैंकों के निजीकरण का विरोध जताया। साथ ही गांधी जी से प्रार्थना करते हुए केंद्र सरकार में बैठे जवाबदारों को शीघ्र सद्बुद्धि मिले इसकी कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी लाइन बनाकर नगर के प्रमुख मार्गों से रैली के रूप में निकले। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि जिस तरह से सरकार बैंकों का निजीकरण कर आम उपभोक्ताओं से अधिकार छीन रही है, उसी की तरह कर्मचारियों पर बैंकों के निजीकरण होने से उल्टा असर पड़ेगा। इसी बात का विरोध कर्मचारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा। वहीं शुक्रवार को भी बैंक का काम कार्य संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकार के निजीकरण नहीं करने की मांग को लेकर पूर्व में भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया, तो फिर हमें आंदोलन की राह को चुनना पड़ा। और जब तक सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक के निजीकरण का मन नहीं बदलेगी, तब तक बैंक कर्मचारी लगातार सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।